अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। यशपाल शर्मा भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थे। वो एक विस्फोटक मध्य क्रम के बॉलर थे जो 1970 और 1980 के दशक के दौरान खेले थे। वो 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। उन्होंने 1978 और 1985 के बीच 37 टेस्ट और 42 एक दिवसीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किए। उनके भतीजे चेतन शर्मा भी एक क्रिकेटर थे। यशपाल शर्मा का जन्म 11 अगस्त 1954 को लुधियाना पंजाब भारत में हुआ था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने उन्हें प्यार से क्राइसिस मैन फॉर इंडिया के रूप में उपनाम दिया था। यशपाल शर्मा ने पहली बार ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने 1972 में जम्मू एंड कश्मीर के स्कूल के खिलाफ पंजाब के स्कूल के लिए 260 रन बनाए। दो साल के भीतर वो राज्य की टीम में थे और बीजी ट्रॉफी जीतने वाली उत्तर क्षेत्र टीम के सदस्य थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनकी पहली बड़ी पारी दक्षिण क्षेत्र के खिलाफ उत्तर के लिए दुलीप ट्रॉफी में 173 रनों की थी। ईरानी ट्रॉफी में उनके 99 रन की पारी ने उन्हें कुछ हफ्ते बाद पाकिस्तान के दौरे पर भारतीय टीम में जगह बनाने में मदद की। बाद में उन्होंने 13 अक्टूबर 1978 को पाकिस्तान दौरे के दौरान अपना वनडे डेब्यू किए। शर्मा को 1983 विश्व कप के लिए भारतीय टीम के लिए चुना गया था। 1983 विश्व कप के शुरुआती मैच में उन्होंने 89 रन बनाकर सी स्कोर किया क्योंकि भारत ने वेस्ट इंडीज को विश्व कप मैच में पहली हार का कारण बना दिया था। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने फिर से 61 रन बनाए। वो उस भारतीय टीम का हिस्सा थे जिसने अपना पहला विश्व कप टूर्नामेंट जीता था जो अंततः 1983 के अभियान के दौरान आया था। वो 1983 विश्व कप के दौरान 8 मैचों में 240 रन के साथ भारत के लिए दूसरे प्रमुख रन स्कोरर भी थे। खेल से संन्यास लेने के बाद वो कुछ समय के लिए अंपायर बने। वो 2003 से 2006 तक भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट सिलेक्टर थे। 13 जुलाई 2021 को 66 वर्ष की आयु में बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।